लगातार सरकार पर हमला करने और तीखा रुख सरकार के नीतियों के खिलाफ दिखाने के कारण आज पप्पू यादव जो जाप पार्टी के संरक्षक हैं, उन्हें पुलिस गिरफ्तारी के लिए खोज रही है और पप्पू यादव भागे भागे फिर रहे हैं। दोस्तों, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबर ही खबर मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। कई दिनों से सांसद पूर्व सांसद पप्पू यादव सरकार के नीतियों के खिलाफ हमलावर रहे और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर धरना और प्रदर्शन देने का काम कर रहे हैं और सरकार के नीतियों तुगलकी फरमान के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर FIR दर्ज कर ली गई और 30 व्यक्ति को नामजद बनाया गया, जिसमें 5 पप्पू यादव के समर्थक को गिरफ्तार कर लिया गया और पप्पू यादव फरार बताए जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से भी वारंट जारी कर दी गई है। कई स्थानों पर छापामारी की गई, लेकिन पप्पू यादव पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। अब पुलिस शिकंजा कसने के फिराक में है कि पप्पू यादव को अविलंब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। चूंकि पप्पू यादव लगातार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमला करते दिखे और जन समर्थन को उन्होंने जगाने का काम किया, शिक्षक आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया और सचिवालय परिसर में अपने समर्थकों के साथ पुलिस बहाली में लड़कियों की ऊंचाई बढ़ा दिए जाने के विरोध में पिछले दिन पप्पू यादव ने धरना दिया और सरकार के इस नीतियों का विरोध किया कि लड़कियों की ऊंचाई अधिक कर देने से लड़कियों की नौकरी नहीं होगी, लड़कियों की ऊंचाई उतनी होनी मुश्किल है, सरकार को अविलंब इस नए ऊंचाई के रूल को खत्म करना चाहिए ताकि लड़कियों की बहाली पुलिस विभाग में हो सके। इस धरने के बाद पुलिस वाले ने पप्पू यादव सहित समर्थकों को वहां से हटाया कि यह प्रतिबंधित स्थान है, यहां आप धरना नहीं दे सकते, और पुलिस ने सचिवालय थाना में मामला दर्ज किया और कुछ ही घंटों बाद 5 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है, लेकिन पप्पू यादव फरार बताए जा रहे हैं। पप्पू यादव पर सरकार अब शिकंजा कसने के फिराक में है कि चूंकि पप्पू यादव सड़कों पर उतरते हैं, आंदोलन करते हैं और आंदोलनकारियों के बीच में शामिल होकर आवाज उठाने का काम करते हैं, तो क्यों नहीं पप्पू यादव के आवाज को भी बंद किया जाए और पप्पू यादव को जेल भेजा जाए। पप्पू यादव भाग रहे हैं और पुलिस छापेमारी कर रही है। अब देखना यह है कि कब पप्पू यादव गिरफ्तार होते हैं और वो जेल जाते हैं। दोस्तों, आगे जो भी खबर प्राप्त होगी मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।